सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शादी भारतीय समाज का एक ऐसा अंग बन चुकी है जिसके बिना किसी भी इंसान को संपूर्ण नहीं माना जाता। शादी न केवल दो लोगों का बल्कि दो हंसते खेलते परिवारों का मेल होता है। ऐसे में दूल्हा दुल्हन से लेकर परिवार के बाकी सदस्यों में भी शादी को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है। आज के युवा ज्यादातर लव मैरिज में विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि सच्चे प्यार में यकीन रखने वाले लोग धर्म, जात पात आदि का भेदभाव नहीं समझते, क्योंकि उनका ईश्वर उनका साथी ही होता है। लेकिन अब समय बदल चुका है और समय के साथ साथ नई पीढ़ी की सोच भी बदलती जा रही है। आज के युवा प्यार को खेल समझते हैं और एक खिलौने की तरह खेलकर जब मन भर जाए तो फेंक देते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला हाल ही में हमारे सामने आया है, जहां काशीपुर में रहने वाली एक लड़की को पड़ोस में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदली उन्हें पता भी नहीं चल पाया। परंतु लड़की अपने प्रेमी की असलियत से वाकिफ नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास करती थी, जिसके चलते लड़के ने उसके भोलेपन का फायदा उठाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जब पीड़ित लड़की ने अपने प्रेमी के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए तो वह उससे शादी करने के लिए राजी हो गया। मगर शादी के मंडप में जब 5 फेरे हुए तो वह मंडप छोड़कर वहां से फरार हो गया। मामला जब पुलिस में पहुंचा तो व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि वह हापुर में रहती थी। वहीं उसके पड़ोस में सुनील नाम का व्यक्ति अपने दीदी और जीजा के साथ रह रहा था। युवती ने बताया कि जिस दिन से वह अपने दीदी और जीजा के साथ रह रहा है, उसी दिन से उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था और अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ था। ऐसे में जब युवती को सुनील से प्यार हुआ तो वह उसको शादी का झूठा झांसा दे रहा और जबरन उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि उस युवती की बोलती बंद करने के लिए सुनील ने उसका MMS बना लिया, जिसके बलबूते पर वह उसके साथ ब्लैकमेलिंग के जरिए दुष्कर्म करता रहा। जब इस बात की भनक लड़की के माँ बाप को लगी तो उन्होंने दोनों को खूब मारा पीटा और बदनामी से बचने के लिए सुनील को उसके परिजनों से बात करने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी एक नहीं मानी और शादी करने से साफ मना कर दिया। जब युवती के परिवार वालों ने पुलिस का सहारा लेकर शादी का दबाव बनाया तो वह राजी हो गया। जब कानूनी तौर पर पुलिस वालों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज के लिए कहा तो वह दोबारा से मुकर गया और अपनी झूठी शादी के दस्तावेज तैयार करके लड़की के परिवार वालों को दिखाने लगा। जब पुलिस ने उसको डराया धमकाया तो उसने मंदिर में शादी का प्रस्ताव रखा। सबकी सहमति से बीते शुक्रवार को 3 गांव के प्रधानों और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर उनकी शादी पक्की थी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 5वें फेरे के दौरान सुनील गठबंधन खोलकर मंडप से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर खबर मिलते ही पुलिस ने सुनील की तलाश जारी कर दी है। पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि सुनील अपने भाइयों के साथ अक्सर उनसे दहेज की मांग कर रहा था और न मिलने पर वह उनकी बेटी को जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने सुनील के तीनों भाइयों समेत उसके खिलाफ धारा 348, 376, 420 एवं 506 तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।